गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो ये हम आ गए डे टू व्लॉग पे लोनावला। तो रात बड़ी अच्छी सी कटी, बहुत अच्छे से सोए हम लोग। मिनी डुगू भी काफ़ी एंजॉय किए, रात पे भी वो जाके गार्डन में खेल रहे थे और हम लोग यहाँ बैठ के टीवी देख रहे थे, एकदम चिल। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, हम लोग उठ गए। मिनी डुगू ने ही उठाया हमें। क्या हुआ, अभी अभी तक नींद खत्म नहीं हुआ? नहीं। तो जाके फिर से सो जाओ। किसने बोला था इतना जल्दी उठने को? इसने उठाया ना? हाँ, ये तो एकदम इसे चाट चाट के उठा दिया। हाँ ना, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो, है ना? उसको उसे भूख नहीं लग रहा था, है ना? उसका है ना, लाइट आते हैं मेरे पेट में खड़ा होना चाहिए बस। ये देखो कितने अच्छे बच्चे की तरह सो गया। मैंने कुछ नहीं किया। ये किधर गई? ये अंदर है। हाँ, इसको अपना एक फेवरेट प्लेस मिल गया है इधर। इसने अपना कोपचा पकड़ लिया है, ये देखिए। ओए, अभी बाहर खेल रही थी ना, धूप आ गया तो बंद खेलना बंद। तो अभी तो ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, तो चलिए कुछ ब्रेकफास्ट बनाते हैं। मिसेस खुल रहा है, मतलब मुझे भी बहुत जोर से भूख लग रही है। मिसेस खुल रहे तो हमेशा भुक्कड़ी रहती है। तो चलिए कुछ ब्रेकफास्ट के लिए कुछ बनाते हैं। तो मेरा शेफ पति अभी रेडी है मेरे लिए खाना बनाने के लिए। तो क्या बन रहा है पति शेफ? पाव सैंडविच। सैंडविच? पाव वाला सैंडविच। ब्रेड नहीं मिला तुम्हें? नहीं, यहाँ पे ब्रेड नहीं। यहाँ पे आसपास कोई ग्रोसरी वाला स्टोर नहीं है ना? हाँ, एक्चुअली हम ना गांव के अंदर रह रहे हैं। वो गांव नहीं है, वो एक्चुअली मतलब लोनावला प्लेस ही ऐसा है। गांव वाला पहाड़ियों के बीच, पर मजा आ रहा है। मतलब यहाँ समझ लो, ये जो सिद्धांत कॉलेज जहाँ पे खड़ा है, ये घर है, चारों और ऐसे पहाड़ 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 पहाड़। दुनिया का सारा अनहेल्दी चीज मुझे पसंद है, सारा कुछ। जैसे आई लव चीज, अनहेल्दी चीज बोला था ना, ये इंसान भी एक अनहेल्दी इंसान है, ये भी मुझे पसंद है। ये डोगो भी अनहेल्दी है, ये भी मुझे पसंद है। कैसे देखो, कैसे लेट रहा है, देखो ये चमगादड़ जैसे नहीं लग रहा है अभी। सो ये रहा दोस्तों, जैसे कि मिसेस कुलर ने दिखाया, मैं तो बना ही रहा था। और ये है फाइनल रिजल्ट, जो कि है, ये क्या नाम दिया मैंने इसका? गंदा सैंडविच, पाव सैंडविच। इसको बोलते हैं एडजस्टिंग ब्रेकफास्ट, ठीक है, कैंपेनिंग ब्रेकफास्ट। तो पाव खरीद के ले आए, अंदर पिज्जा सॉस, सॉरी पिज्जा और पास्ता सॉस और चीज। तो ये बन गया हमारा पाव सैंडविच। चलो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर मैं आपको मिलूंगा फिर से स्विमिंग पूल में। सो ब्रेकफास्ट तो खत्म हो गया और मैं आ गया स्विमिंग पूल में डुबकी लगाने के लिए। मिसेस कुलरे नहीं आई क्योंकि उनको थोड़ा सर्दी हो गया था कल रात के स्विमिंग से ही, बट मैं आ गया जम के डुबकी लगाने के लिए। और एक टायर भी मिल गया, ये देखो। और मिनी डुगू का पता नहीं उनका क्या हो गया था, वो पीछे से कुछ तो आवाज़ आ रहा था और वो उसी के ऊपर ही ध्यान लगे हुए हैं। और मैं थोड़ा डुगू के साथ खेल लिया, बेसिकली वो भूख ही रहा था तब से। पता नहीं, वो शायद इसलिए भूख रहा था क्योंकि शायद उसको लग रहा था कि पापा डूब जाएंगे शायद इसलिए। और मिनी आके बोल रही थी, चुप कर साले, पापा कुछ नहीं डूबेंगे। और मिनी बैठ के देख रही थी, मिनी का कुछ काम नहीं, ये देखो ऊपर से बैठ भी गई, ये देखो। मतलब पापा तैरेंगे और वो बैठ के सो के देखेगी, वाह थिएटर चल रहा है रे बाबा। और फिर मैं थोड़ा स्विमिंग करने लग गया, जो कि मेरा सबसे मन पसंदीदा चीज़ है, डुबकी मारने लग गया। और कुछ देर के बाद स्विमिंग खत्म। अच्छा, ये पूल में पॉटी किसने किया? मिनी ने नहीं किया ना? डुगू, डुगू क्या है ये क्या है, छुप कहाँ रहा है, हाँ? ये पॉटी करने की जगह है? ओए ओए, ये पॉटी करने की जगह है? ओए, छुप कहाँ रहा है? एक तो गलती करो फिर छुप जाओ मम्मी के पीछे, हाँ? अच्छा हुआ। ए तू इधर आ, इधर आ, तू नहीं बोलो, नहीं इधर आ, इधर आ, चल वहां पे, चल वहां पे, चल। वो क्यों हुआ है बता मुझे, हो गया उससे गलती, हो गया। उधर पॉटी क्यों किया, इतना बड़ा गार्डन दिया है तुझे, उधर क्यों पॉटी किया, क्यों? अब इसको साफ कौन करेगा, तू जा साफ कर, जा जा साफ कर, जा खामखा टेंशन, एक रपटा पड़ेगा ठीक हो जाएगा फिर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम जाके साफ करो फिर, जाओ।
करोगे। इतना बड़ा गार्डन है, गार्डन के अलावा और कहीं पे नहीं चाहिए मुझे पॉटी, ठीक है? बड़ा है, फिर से दिमाग खराब, अभी पॉटी साफ करना पड़ेगा, इसलिए मैं छुट्टियों में आया हूँ पॉटी साफ करने के लिए। हैं? तुम्हें मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि तुम्हें पॉटी साफ करना है। और तुम ऐसे आके अपना पैर छप छप करोगे? हद है यार, शाम का टाइम है, देखो कितना अच्छा वेदर है, और पापा क्या करेंगे? पॉटी साफ करेंगे, है ना? मार के जा जा मम्मी के पास, गो टू मम्मी। डरपोक कहीं का। सो दोस्तों, अभी बज रहे हैं शाम के 8 बजे और बोर थोड़ा लग रहा है, अभी कितना रेस्ट करेंगे, रेस्ट करते करते ही बोर हो गए। तो यहाँ पे जो घर है वहाँ पे बैडमिंटन है खेलने के लिए, चलो पूछता हूँ मिसेस कुलराय को बैडमिंटन खेलने के लिए, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। तो ये है घर में रखा हुआ बैडमिंटन, यस, दो रैकेट और एक कॉर्क है, काफ़ी है अपन दोनों के लिए। पूछता हूँ मिसेस कुलराय से। मिसेस कुलराय, मेरे साथ बैडमिंटन खेलोगे? खेलोगे ना पक्का? बीच में मत बोलना कि मैं थक गई। उसकी गारंटी मेरे लिए सच्ची। अच्छा, वो फिर मैं फोर्स भी नहीं कर सकता। चलो फिर, चलो थोड़ा खेलते हैं ना। आई एम इन पीरियड, फिर भी मैं राजी हूं सिर्फ तुम्हारे लिए। ये चलो। घर के बाहर जो गार्डन है ना, हम लोग वहीं पे ही बैडमिंटन खेलना चालू किए। और मिसेस कुलराय का सर्विस देखो, हाथ खराब था शायद उनका। और हमसे ज़्यादा तो डुगू मिनी एंजॉय कर रहे थे कि ये कॉर्क क्या है, हमें भी देखना है, ये क्या चीज़ है, हमें भी दो, हमें भी खेलना है। और ये मेरा पहला स्कोर था, एक्चुअली बहुत दिन बाद खेल रहे हैं ना, इसलिए सबका आदत छूट गया है। नहीं तो मैं और मिसेस कुलराय दोनों बैडमिंटन खेलते थे अच्छा, बट अभी पूरा आदत छूट गया है, अभी खाली डुगू मिनी के साथ ही हम ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए, वो लोग पकड़ने के लिए जा रहे थे। और ये मैच थोड़ा हमने अच्छे से खेला, ये देखिए 1-2 राउंड हमने पूरा अच्छे से खेला, और मिनी डुगू भाग ही रहे थे उसको पकड़ने के लिए। ये देखिए, डुगू को ज़्यादा ही एंजॉय, मिनी थक गई थी शायद इसलिए पीछे खड़ी है। तो अभी मिसेस कुलराय का स्कोर हो गया, तो अभी फिर से डुगू परेशान करना चालू कर दिया। वो क्या करता है ना, एकदम तो मुँह से उठा लिया था वो जो कॉर्क है। तो अभी फिर से डुगू से बच के हम खेले कुछ राउंड और फाइनली ख़त्म। तो दोस्तों, एक्चुअली अभी हमारा बैडमिंटन खेलना ख़त्म हो गया, और ये दोनों बैठ के कॉर्क ढूंढ रहे और कॉर्क है, और कॉर्क है यहाँ पे। देखो कितना शिद्दत से ढूंढ रहे हैं वो लोग कॉर्क। ढूंढो ढूंढो, अरे देश छोड़ दोगे क्या ढूंढते ढूंढते? डुगू डुगू कहाँ? अच्छा अच्छा अच्छा, डुगू इधर है, कॉर्क इधर है, इधर है, हाँ इधर है, इधर है। अच्छा अच्छा, अबे दिखाई भी नहीं दे रहा है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, डुगू यही सब मुंह का। चलिए, हमारे बैडमिंटन खेलना तो खत्म हो गया, चलिए अभी डिनर के लिए बनाते हैं कुछ। पास्ता खाओगे? हाँ। पास्ता पास्ता, हाँ काफी टाइम से नहीं खाई हूँ यार। चलो बनाता हूँ मैं पास्ता। चल चल चल। सो दोस्तों, नाउ इट्स डिनर टाइम, मिसेस कुलराय भी यहाँ पर है और मैंने बनाया है पास्ता। ये देखिए, ये देखिए, ये है, ये एक्चुअली पास्ता तो नहीं है, ये मैक्रोनी है, मैक्रोनी एंड चीज। तो मैंने थोड़ा इंडियन स्टाइल में बनाया है, वेजीज वगैरह डाल के, जो कि मिसेस कुलराय को वेजीज पसंद है इसलिए। Yes, I love veggies. तो ये पूरा मिसेस कुलराय के पसंद देता है, तो वो पूरा अकेले ही खा जाएगी शायद, ये पूरा पता नहीं मुझे मिलेगा या नहीं। सो दोस्तों, हम चले डिनर करने, और इसके बाद हमें कल सुबह सुबह वापस पुणे भी जाना है, सोना है इसलिए। तो ये वाला वीडियो आखिरी डे लोनावला का हम खत्म कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर कर दें, और आगे के व्लॉग के लिए वो नोटिफिकेशन वाला बटन जरूर क्लिक कर दें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।